देखिए कल रात्रि में, कल शाम को जो यहाँ घटना घटित हुई, उसमें जो डॉक्टर खुशबू हैं उनकी हत्या हुई है, बहुत दुखद है और सभी को बहुत कष्ट है। उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना है। पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है और कुछ सस्पेक्ट हमारे रडार पर भी हैं और बहुत जल्दी हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी जो अपराधी है वो सलाखों के पीछे होगा। प्रदेश के अंदर जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पहले पूरी तरह से क्राइम का दबदबा रहता था और जो लोग आज प्रदेश की कानून व्यवस्था पर जो सवाल खड़े कर रहे हैं वो लोग उन अपराधियों को संरक्षण देते थे। आज अगर अपराध होता है तो अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होती है, वो सलाखों के पीछे होते हैं। आज अपराधियों को बचाया नहीं जाता है, चाहे बहन मायावती जी हों, चाहे श्रीमान अखिलेश यादव हों, चाहे कांग्रेस के लोग हों। इन लोगों ने केवल अपराधियों की चिंता की, प्रदेश की जनता की कभी इन लोगों ने चिंता नहीं की। अगर कहीं किसी माफिया की पुलिस एनकाउंटर में अगर कहीं मौत होती है तो भी उनको बहुत कष्ट होता है। और जो बजरंगी था, जो बहुत बड़ा माफिया था, हत्यारा था, और उसकी जो हत्या हुई है उसकी जांच भी हो रही है क्योंकि जेल में उसकी हत्या हुई है, FIR रजिस्टर्ड हुई है, कार्रवाई चल रही है, लेकिन बार बार जो एनकाउंटर होते हैं उन पर भी सवाल अखिलेश जी और मायावती जी खड़े करते हैं। अपराधियों के लिए प्रदेश में कहीं कोई स्थान नहीं है। अगर अपराधी हमारी पुलिस फोर्स पर अगर गोली चलाएंगे तो उनको गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा।